कनी असम भायरम गैसुकुमारम अणगारम अकाले चेव जीवी याओ वबरो विये तैणम से अर्हा अरिठनेमी कन्हम वसुदेवम एवं वयासी मानम कन्हा तुमम तस पुरीशस पदोसम वज्जाहिम एवं खलु कन्हा तेनम पुरुषेनम गैसुकुमालस अणगारस साहिज्ये दिन्ने। तत्पश्चात श्री अरहंत अरिष्टनिमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार फरमाया कि हे कृष्ण, कल मध्याह्न को मुझे वंदन कर गैसुकुमार अंगार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं भिक्षु की प्रतिमा अर्थात एक रात्रि का ध्यान शमशान में रहकर करना चाहता हूँ, मोक्ष में चले गए। इसलिए हे कृष्ण, मैंने कहा कि गैसुकुमार अंगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। यह सुन कृष्ण बोले, भगवान मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाने वाला और लज्जाहीन ऐसा कौन सा धृष्ट मनुष्य है जिसने मेरे सहोदर लघु भाई को अकाल में ही इस प्रकार काल कवलित कर दिया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, उस मनुष्य के ऊपर क्रोध न करो। उसने तो गैसुकुमार अंगार को अपने प्राणों को समूल निर्मूल कर देने में बीसों बीसवा सहायता पहुँचाई है। फिर ऐसे परम स्नेही पुरुष के साथ क्रोध का बर्ताव करना तो मानो उपकारी के उपकार को ही धो देना है। कहनम हंते तेनम पुरुषेनम गैसुकुमालस्य ने नम साहिज्य दिने तैनम अर्हा अरिथनेमि कन्हम वसुदेवम एवं वयसे से नूनम कन्हा मम तुमम पाय वंदे हो माँ गच्छमाणे पार्वती नैरिये एगम पुरीशे पाससी जाव अनुपविशिये जहनम कन्हा तुमम तस् पुरीशस्य साहिज्य दिने एवमेव कन्हा तेनम पुरुषेण गैसुकुमारस्य अणगारस्य अनेकभवस्य सहा संचियम कमम उदीरमानिनम बहुकम निज्यरथम साहिज्य दिने तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिथनिमिम एवं वयासी सेनम हंते पुरीशे मम मय कहम जानीयवे तैनम अर्हा अरिठने में कन्हम वासुदेवम एवं वयसी जैनम कन्हा मम बार तुमम बारवये नैरिये अनुपविशमानम पासे ताठिये चेवठी भेणम कालम करिसई तनम तुमम जाने जंसी एसनम पुरिसे। भगवान उस मनुष्य के ने गैसुकुमार को कैसे सहायता दी। उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम चरण वंदन के लिए मार्ग में आ रहे थे तो द्वारिका नगरी में तुमने एक वृद्ध पुरुष को ईंट के ढेर रखते हुए देखा था। तुमने उस पर दया लाकर एक ईंट उठा दी और उसे भीतर रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी मनुष्य ने एक एक ईंट उठाकर रख दी। यो सब ईंटें उसी समय शीघ्र ही अंदर रख गई। कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष को सहायता दी, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने गैसुकुमार अंगार को उनके अपने अनेक सहस्त्र अर्थात लाखों भवों में संचय किए हुए कर्मों की उदीर्णा कर संपूर्ण कर्मों को नाश करने में बड़ी सहायता दी है। भगवान, उस मनुष्य को मैं कैसे जान पाऊँगा। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम यहाँ से लौटकर द्वारिका में प्रवेश करोगे तो उस समय तुमको आते हुए देखकर वह मनुष्य वही रुक जाएगा और वही का वही भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस उसे देखकर तुम जान लेना कि यह वही मनुष्य है जिसने मेरे लघु भ्राता के प्राण हरण कर दिए। तैनम से कन्हे वसुदेवे अरहम अरिठने में वंदई नमसई वंदिता नमसिता जेणे व अभिशयम हत्ती रैणम तेने वा गच्छय वा गच्छिता हत्यम दुर्घई दुर्हिता जेणे व बारवय नैरे जेणे व सय गिहे तेने व पहारेथ गमनाय तैनम तस् सोमिल महाणस कलम जाव जलंते इम्या रुवे अजथिये समुपन्ने एवं खल्लु कन्हे वसुदेवे अरहम अरिठने में पाय वंदे निगये तम नायमेव अर्हा विनायमेय अर्हा सुयमेयम अर्हा सिद्धमेयम अर्हया भविष्यै कन्हस्य वासुदेवस्य तम न नज्जयि नम कन्हे वासुदेवे मम कन्न केनैवि कुमारिणं मारिसैति कट्टु भिये सायाओ गिहाओ परिनिखमय कन्हस्य वासुदेवस्य बारवयिं नैरिये अनुपविश मानस पुरो संपिख संपड़िदिशं हवमा गये। तदनंतर भी कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनमी भगवान को वंदना करके अपने प्रधान गजरथ अर्थात हाथी पर बैठे जिस और द्वारिका नगरी में अपने महल थे उधर आ रहे थे। उधर सूर्योदय होने पर सोमिल ब्राह्मण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन को गए हैं और भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। वे यह सब घटना कृष्ण को कह देंगे तो मुझे कृष्ण वासुदेव न मालूम
किस मौत से मारेंगे। ऐसा विचार उत्पन्न होने पर वह सोमिल ब्राह्मण भयभीत होकर अपने घर से निकला और एकाएक जिधर कृष्ण वासुदेव आ रहे थे उनके समक्ष ही सम्मुख दिशा से शीघ्र आ निकला। दैनम से सोमिले महाणे कन्नम वसुदेवम सहसा पासिता भिये ठिये य चेव भिये भेयम कलाम करई धर नितलंसी सवयेहिम धसति सन्नी निवड्डय। तैनम से कन्हे वासुदेवे सोमिल महानम पासे पासिता एवं वयासी एसनम भोग देवाणु पिया। से सोमिले महाणे अपथि पथिये जाव परिवज्जिये जैनम मम सहोयरे कणिये से भाइयरे गैसु कुमाले अणगारे अकाले चेव जीवी आओ वब्रो वियति कट्टु। सोमिल महाणम पाणिहिम कड़ावित्ति कड़ावित्ता तम भूमि पाणियनम अभो खावई अभो खावईता जेणे व सहे गिहे तेणे व उवागये संयम गिहम अनुपविठे एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया जाव संपत्तेनम अठमस अंगस्त अंतगढ़ दशानम तच्छस वग्गस अठम अज्ञानस एमठे पणत्ते। उसके बाद वह सोमिल ब्राह्मण सम्मुख आते हुए श्री कृष्ण वासुदेव को एकाएक देखकर डरा और उसके पाँव वहीं रुक गए। वह स्थिति भेद आयुष्य क्षय के कारण वही का वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। धड़ाम से वह भूमि पर आ गिरा। भूमि पर पड़े हुए उस सोमिल ब्राह्मण के क्षव को देखकर कृष्ण वासुदेव बोले कि यह वही मृत्यु को चाहने वाला लज्जा रहित सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे छोटे भाई गत्सु कुमार अणगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के क्षव को शहर के बाहर उन्होंने फेंकवा दिया और जहाँ उसका क्षव गिरा था वहाँ उस भूमि को जल से शुद्ध करवाया अर्थात जल का छिड़काव करा दिया। फिर वहाँ से चलकर कृष्ण अपने महल में आए और आनंदपूर्वक रहने लगे। हे जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के आठवें अध्ययन में यही वर्णन किया है। इस प्रकार यह आठवां अध्ययन समाप्त हुआ। नवमसौ उख्यवो एवं खलु जम्बू तेनम कालिनम तेनम समयनम पार्वती नैरिये जहाँ पड़मे पड़मये जाव विहरई तत्क्षणम पार्वती नैरिये बलदेवे नामम राया होता वर्णो तस्सनम बलदेवस्य रन्नो धारणी नामम देवी होता वर्णो तैनम सा धारणी सिंहम सुमिने जहा गोय में नवरम सुमुहे नामम कुमारे पर्णासम कन्ना पर्णास दाओ चौदस पुवाईम अरि जय विषम वासाइम परियाओ शेषम तम चेव जाव सेतुंजे सिद्धे निख्यवो एवं दुमुहे वि कुवदारे वि दुर्नहे वि बलदेव पिता धारिणी माया दारुए वि एवं चेव नवरम वसुदेव पिया धारिणी सुये एवं अनदिथि वि वसुदेवे देव पिया धारिणी सुये एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तिनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम तच्छस वग्गस तेरसमस जैनस एमठे पणत्ते। श्री जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि भगवान आठवें अध्ययन में जो वर्णन श्री महावीर स्वामी ने किया है उसको फरमाकर आपने मुझ पर महत कृपा की है। अब कृपा करके यह फरमावे कि नवे अध्ययन में श्री भगवान महावीर स्वामी ने के द्वारा फरमाया गया है वह मुझे सुनाए। श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी से कहा है जम्बू सुनो उस काल में एक द्वारिका नगरी थी जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। उस द्वारिका नगरी में बलदेव महाराजा अपनी प्राप्त जागीरी पर सानंद आधिपत्य करते हुए निवास कर रहे थे। उनके धारणी नामक एक परम आज्ञाकारिणी रानी थी। एक दिन उसी धारणी रानी को शैया में सोते हुए पिछले रात्रि में सिंह का स्वप्न दृष्टिगोचर हुआ। वह सजग हुई अपने पतिदेव से स्वप्न का जिक्र किया। सूर्योदय होने पर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से स्वप्न का फल पूछवाया गया। यहाँ भी बालक का वर्णन जन्म बाल्यकाल आदि सब गौतम कुमार की भांति ही समझ ले। विशेषता केवल इतनी है कि उनका नाम सुमुख कुमार रखा गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। वधु पक्ष की तरफ से गृह संबंधी अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त दहेज में 50 करोड़ का नकद धन भी प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात भगवान अरिष्ट नेमी लोक कल्याण हेतु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहां पधारे। उनका उपदेश श्रवण कर सुमुख कुमार के मन में संसार के प्रति उपराम हो आया। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर वे दीक्षित हुए। थोड़े ही काल में उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञानाभ्यास प्राप्त कर लिया। 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में संथारा करके शत्रुंजय पर्वत पर उन्होंने मोक्ष
प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने सिद्धत्व को अपने अधीन किया। इसी प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारणी के अंगज दुमुख कुमार और कुपक धारक कुमार ने भी दीक्षा धारण कर अंतिम में संथारा करके सिद्ध पद पाया। वसुदेव के पुत्र तथा धारणी के अंगज दारुक कुमार और अनाधृष्ट कुमार, इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की और मोक्ष में पदार्पण किया। इस प्रकार है जम्बू अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययनों में भगवान महावीर प्रभु ने ऐसा ही वर्णन किया है जो मैंने तुम्हें कह सुनाया है। तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम अठ्यमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तच्चस वग्गस अयमठे पणक्ते। चौथा सणम हंते वग्गस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ये पणक्ते। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस वग्गस अंतगढ़ दशानम दस अध्ययना पणत्ता। तंजहा ज्याली मयाली उभयाली पुरुष सेणेय वारी सेणेय पज्जुण सम अनिरुद्धे सच्च नेमी दृढ़ नेमी। जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस वग्गस दस अध्ययना पणत्ता। पड़मसनम हंते अजयनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते। एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवई नामम नैरी होत्था जहाँ पड़मे कन्हे वसुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई। फिर जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि हे भगवान, श्रीमन भगवान महावीर स्वामी ने जो मुक्ति में पधारे, उन्होंने आठवें अंग श्री अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग में जो विषय वर्णन किया है उसे मैंने आपके श्रीमुख से श्रवण कर लिया। हे भगवान, अब अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा विषय का कथन किया गया है उसे कहने की कृपा करें। जम्बू सुनो, अंतगढ़ सूत्र के चतुर्थ वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं, वे इस प्रकार है। ज्याली मयाली उवयाली पुरुष सेन वारी सेन प्रद्युमन श्याम अनिरुद्ध सत्यनेमी और दृढ़ नेमी, इन 10 कुमारों के नाम से 10 अध्ययन है। हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या मतलब है? जम्बू, उस समय जो द्वारिका नामक एक परम सुंदर नगरी थी और जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं, वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। तत्थण पार्वती नैरिये वसुदेवे राया धारणी देवी पन्नो जहा गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौ दाओ बार संगी सोलस वासा परियाओ सेसम जहा गोयमस जाव सेतुंजे सिद्धे। एवं मयाली उभयाली पुरुष सेणय वारी सेणय एवं पजुण्य वीति नवरम कन्हे पिया रूपिणी माता एवं सब्बे वी नवरम जम्बवई माता एवं अनिरुद्धे वी नवरम पजुन्ने पिया वेदव्वी मात एवं सच्च नेमी नवरम समुद्र विजय पिया वी सिया माता एवं दृढ़ नेमी वी सवे एक गमा चौथस्य वग्गस्य निखेवो। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव नामक एक राजा अपने अधीन के ग्रामों पर आधिपत्य रखते हुए निवास करते थे। उनके धारणी नामक आज्ञाकारिणी एक रानी थी। स्वप्न के 9 मास व्यतीत होने पर धारणी के एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह संपादन हुआ। दहेज में भी पर्याप्त धन अर्थात 50 करोड़ सोनिया की रकम उन्हें प्राप्त हुई। किसी दिन भगवान का उपदेश श्रवण कर वैराग्य का वेग उनके हृदय में उमड़ पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उन्हीं से दीक्षा भी उन्होंने ली। 12 अंग शास्त्रों का संगोपांग अध्ययन होने इन्होंने किया। 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालकर अंतिम समय में गौतम कुमार की भांति उन्होंने भी संथारा किया तथा शत्रुंजय पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया। इस प्रकार मयाली उभयाली पुरुष सेन और प्रद्युमन कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मणी था। इसी तरह श्याम कुमार ने भी दीक्षा धारण की। इनके पिता तथा माता क्रमशः कृष्ण और जामवंती थे। अनिरुद्ध कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की। इनके पिता प्रद्युमन और माता विदर्भी थी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इन दोनों कुमारों के दीक्षा ग्रहण का विधान इसी प्रकार का था। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इन सभी कुमारों की शिक्षा दीक्षा आदि का क्रम प्राय सर्वत्र एक सा ही था। हे जम्बू, चौथे वर्ग में यो इन 10 अध्ययनों का वर्णन किया गया है जो मैं तुझे सुना चुका हूँ। चौथा वर्ग समाप्त।
आगमित प्रणत्य तंजा सत्तागमने अर्थागमने तद्वयगमने। इस तरह तीन प्रकार आगम रूढ़ ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचा लगा तलो जम वायदम अच्छा मिलम हिना खरम अच्छा करम पय हिनम विनय हिनम जोग हिनम घोष हिनम सुडुडिनम डुटुपड़िछ्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जाय मणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अवैन्यासना किए तो बारम्बार मिच्छामि सुकरम। मेटो मेट लाखों बार तुम्हें शीश नमाओ जग के ना ओम नमो सया सब सिद्धानम ओम नमो सया सब सिद्धानम। सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में सत्सव वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले उन श्रावकों का, उन बहनों का, उन युवक और युवतियों का, उन बालक और बालिकाओं का जो महापर्व प्रयुषण में तप की आराधना कर रहे हैं, किसी का तेला, किसी का चोला, किसी का पांच, किसी का एकाशना, किसी की आयंबिल, हम तहे दिल से उनका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। देवादिदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं उनका तप सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और शुद्ध एवं परिष्कृत हो। आगम की धारा, आगम की गंगा में हम एक डुबकी लगा रहे थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संदेश। आज का आगम चंद मिनटों में देकर चला गया। मैं नहीं जानती कि आपने उसमें से कौन कौन से बातें ग्रहण की, एक्सेप्ट की या स्वीकार की या उन्हें समझने की कोशिश की। जहां पर कृष्ण मानवता का संदेश देकर जाते हैं, करुणा कैसी हो, दया कैसी हो, इंसानियत के अंदर इंसानियत कैसी हो, आज आदमी तो नजर आता है, इंसान तो नजर आता है, लेकिन उसमें क्या नजर नहीं आती, सॉरी, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता। मैं दुखी इंसानों की आबादी में, मैं दुखी इंसानों की आबादी में ढूंढने पर खरा इंसान नहीं मिलता। कवि क्या कह रहा है, कहाँ वह कृष्ण की मानवता, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वंदन के लिए जा रहे हैं, नमन के लिए जा रहे हैं,
और एक वृद्ध, एक जर्जरित व्यक्ति, एक थका हारा मांदा व्यक्ति जब ऊंट उठा रहा है और देखते ही मन करुणा से भर गया। उन्हें एक ही ईंट उठानी पड़ी, दूसरी नहीं उठानी पड़ी, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ कार्य, संतों की गई असाधना, भगवान ने जवाब दिया द्वारिका जलकर भस्म होगी। भगवान क्यों भस्म होगी जरा आप मुझे बताइए, किस कारण से? ये यादव राजकुमारों में सुरा और सुंदरी दो का उपयोग ज्यादा होगा, उसके कारण द्वारिका जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान, शराब पीने से द्वारिका जलेगी? नहीं कृष्ण,